रोहित की सुसाइड पर हैदराबाद से दिल्ली तक सियासत हो रही है। गौरी लंकेश को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हर दिन किसान खुदकुशी कर रहे हैं। 19 साल के दलित लड़की को गैंगरेप के बाद जान से मारने की कोशिश भी हुई थी। 95 लोगों की मौत मॉब लिंचिंग से हुई है। क्या इसी तरह की आजादी की कल्पना की थी महात्मा गांधी, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने और उन तमाम हजारों लाखों लोगों ने जो आजादी के लिए कुर्बान हो गए? ये कैसी आजादी है जहां एक स्टूडेंट को सुसाइड करना पड़े, एक राइटर को अपने विचार व्यक्त करने पर मार दिया जाए, एक पेंटर को अपनी देशभक्ति सिद्ध करने के लिए देश छोड़ना पड़े, जात धर्म नस्ल क्षेत्र और भाषा के नाम पर लोगों को सिर्फ वोट बैंक बना दिया जाए? नहीं, शायद हमने आजादी को समझा ही नहीं। आजादी का मतलब होता है सहनशीलता, अपनी बात कहना और दूसरों की बात सुनना। आजादी का मतलब होता है जात धर्म नस्ल क्षेत्र और भाषा के भेद से ऊपर उठकर देश के लिए कुछ करने का जज्बा। आजादी का मतलब होता है धरती और आसमान पर सबका बराबर का हक, सबके सर पर छत हो, सबके तन पर कपड़ा हो। आजादी का मतलब होता है हमारे देश के किसान और मजदूरों का बराबर का योगदान और उनकी मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम। आजादी का मतलब होता है देश के लिए, दुनिया के लिए, खुद के लिए कुछ कर दिखाना। ओ हेलो, क्या सोच रहे हो तुम लोग? कोई नेता अवतार पैगंबर या करिश्मा ये सब करके दिखाएगा ना? बिल्कुल नहीं। मुझे तुमको हम सबको मिलके आजादी का मतलब समझना होगा और ऐसा माहौल बनाना होगा कोई रोहित वेमुला सुसाइड ना करे, सारे गुलबर्गी की हत्या ना हो, अखलाक का घर ना उजड़े, किसी पेंटर को अपना घर ना छोड़ना पड़े। लेकिन परिवर्तन मेरे बोलने से नहीं आया, हम लोगों को अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना होगा, अपने विचारों को सही करना होगा। मैं उन हजारों लाखों लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी और अपनी बात कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों में से किसी एक के जहन में भी फर्क आ जाए तो भाई सारा का सारा हिंदुस्तान अपने आप बदल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है हमारा बदलना। ये शुरुआत तो हमसे ही होगी ना यार। Thank you.